नमस्कार आदाब, मैं हूँ सारा मुनीर और मैं आपका स्वागत करती हूँ वो कौन थे के एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपका एक ऐसे इंसान से तराफ कराएंगे जिन्होंने भारत का संविधान बनाने में अपना योगदान दिया था। उस शख्स का नाम है मोहम्मद इस्माइल। तमिलनाडु में स्थित तिरुनेवली में 5 जून 1896 में उनका जन्म हुआ था। अब क्योंकि उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था तो उन्होंने अपनी तालीम भी वहीं से मुकम्मल की थी। उसके बाद उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML की साउथ इंडिया में बुनियाद रखी। कैद-ए-मिल्ला लीडर ऑफ द नेशन का टाइटल हासिल करा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और दोनों राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर भी बने। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी सन 1909 में बस 14 साल की उम्र से ही यंग मुस्लिम सोसाइटी की बुनियाद रख के शुरू कर दी। आगे चल के वो मुस्लिम लीग के मेंबर बन गए और फिर 1945 में मुस्लिम लीग की मद्रास यूनिट के प्रेसिडेंट बने। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ साथ मुस्लिम लीग का भी बंटवारा हुआ और भारत का अपना अलग मुस्लिम लीग बना, जिसकी इस्माइल 1948 में सबसे पहले प्रेसिडेंट बने। आजादी मिलने के बाद वो 1952 में राज्यसभा के मेंबर बन गए और 1958 तक इसके मेंबर बने रहे। 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से केरला बना और इस्माइल वहां चले गए और वहां से लोकसभा के मेंबर बने, वो भी 3 बार। जब आजाद भारत का संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स चुने जा रहे थे, तभी इस्माइल को भी मद्रास प्रेसिडेंसी से चुना गया। इस्माइल ने भारत के संविधान को इंक्लूसिव बनाने में काफी मुशक्कतें उठाई और उनकी काफी सारी बातों को अनसुना भी किया गया। जैसे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बहस चल रही थी कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, तब इस्माइल ने बोला कि हिंदुस्तानी, क्योंकि देवनागरी और उर्दू का मिक्सचर है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए क्योंकि ये भाषा सबसे ज्यादा भारत में बोली जाती है। और इस बात को उन्होंने महात्मा गांधी जी के कोट से सपोर्ट करते हुए बोला कि भारत के पिता भी यही चाहते थे कि कॉमन लैंग्वेज को ही इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी चाहिए। पर इस सब के बावजूद हिंदुस्तानी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा अब तक हमारे संविधान ने नहीं दिया है। ऐसे ही एक और बात से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स उनसे सहमति नहीं रखते थे। अब जैसे शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास सेपरेट इलेक्ट्रिक्स हैं, वैसे ही इस्माइल ने भारत के मुसलमानों के लिए भी सेपरेट इलेक्ट्रिक्स की सिफारिश की। पर इसके मुखालफत में जो लोग थे उन्होंने उनकी इस बात को मंजूरी नहीं दी, ये कहके कि इससे भारत के मुसलमानों में सेपरेटिज्म की भावना आएगी। पर इस्माइल की राय ये थी कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि किसी भी देश में मेजॉरिटी माइनॉरिटी ही नहीं सुनता। जब तक मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी एस्पिरेशंस को अमलीजामा नहीं बनाया जा सकता। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुसलमानों की इंटरेस्ट बिना किसी लॉ के हकीकत में सेफगार्ड नहीं हो सकते। खाली बोल देने से कि हम सबको इक्वली रिप्रेजेंट करेंगे कोई नहीं करता। पर वहीं दूसरी तरफ उनकी एक कोशिश कामयाब रही। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिविल लॉ या फिर लीगली एनफोर्सेबल लॉ बनने से रोक लिया। और जब वो राज्यसभा के मेंबर थे तब उन्होंने मुसलमानों के शरिया लॉ को भी खत्म होने से बचाए रखा। एक सच्चे देश प्रेमी होने के नाते उन्होंने भारत और चाइना की 1962 की जंग में अपने बेटे को देश के लिए सीमा पर लड़ने के लिए भेजा। और इतना ही नहीं, हर महीने 200 रुपए भेजते रहे इस जंग को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने देश के मुसलमानों से भी गुजारिश करी कि वो जितना हो सके उतना फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट करें। अपनी बिगड़ती हालत के चलते 5 अप्रैल 1972 में उनका इंतकाल हो गया। 2003 में तमिलनाडु गवर्नमेंट उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम पे एक मेमोरियल हॉल बनवाती है। इतना ही नहीं, उनके नाम के कई कॉलेजेस भी हैं, जैसे कैद-ए-मिल्ला कॉलेज फॉर विमेन और मेड़ावक्कम में स्थित कैद-ए-मिल्ला कॉलेज। स्क्रिप्ट हमारे लिए लिखी थी जैनब अशरफ ने। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और जितना हो सके हमारी वीडियोस को शेयर करिए। मैं हूँ सारा मुनीर और आप देख रहे थे भारत गज़ल। धन्यवाद।